आज हम बनाने जा रहे हैं नरगसी कोफ्ते, के बीफ लिया, बीफ को कीमा करवा लिया, उसके साथ ही उसमें लहसुन अदरक प्याज और सब्ज़ मिर्चियाँ उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया, अच्छे से इसका कीमा कर लिया। अगर आप लोगों के पास कीमा मशीन घर पे तो आप लोग घर पे भी इसको कीमा बना सकते हैं। तो अब इसमें हमारे पास शान का कोफ्ता मसाला है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें शान कोफ्ता मसाला वो डाल देंगे, और इसके साथ भुने हुए चने हैं उनको हमने अच्छे से पीस लिया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शान कोफ्ता मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये भुने हुए चनों का पाउडर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है, वो हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो हाथ से भी, हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए इस तरह से। इसको आप चाहें तो इसमें एक अदद अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो आप लोग अंडे की जगह पर हमने इसमें चनों का पाउडर बनाकर वो हमने 2 से 3 टेबलस्पून वो ऐड कर लिया। तो अब इसके छोटे छोटे से आप लोग कोफ्ते बना रहे जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। बनाने के बाद तो अंडों को बॉईल कर लेते हैं बना के, तो फिर ये नरगसी कोफ्ते आप लोगों को रेडी। आप दिखा कोफ्ते छोटे छोटे साइज़ में, जिस भी साइज़ में आप लोगों को पसंद हो, शेप में पसंद हो, उस तरह से आप इसके कोफ्ते बना रहे। बना के तमाम कोफ्तों को एक साइड पर रख लेते हैं, उसके बाद ग्रेवी रेडी करते हैं और अंडों को बॉयल कर लेते हैं। आज थोड़े से हम ये डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों को नरगसी कोफ्ते बनाने सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ये तमाम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं, निकाल लेंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। अच्छे से रेडी कर लिया आप कोफ्तों को बनाने के लिए, इसके लिए ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। बॉयल होने के लिए रखती हूँ मैं, अंडे भी बॉयल हो जाते हैं उतनी देर हम ग्रेवी को रेडी कर लिया और इनको अच्छे से गर्म कर लिया। ये जो कोफ्ते बनाए थे इसको फ्राई कर रहे हैं हम, एक एक करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो फ्राई करने, फ्राई नहीं करने तो आप लोग इसको उबलते हुए पानी में डाल के इसको बॉयल भी करते हैं, कर सकते हैं बॉयल करने के बाद। तो फिर आप लोग ग्रेवी बना के तो उसमें डाल के इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लें। ये तमाम कोफ्ते इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर इनका आएगा तो इनको निकाल लेंगे निकाल के, तो फिर ग्रेवी रेडी करते हैं। अच्छे से फ्राई कर लिया, फ्राई करके निकाल लिया। अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी का जो कोफ्तों में ऑयल इस्तेमाल किया था उसको हमने ग्रेवी में डाल दिया। अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा पकने देते हैं, इसमें जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर इसमें स्पाइस और मसाले ऐड करते हैं। अच्छे से ड्राई हो गए, इसमें हमने 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है, और जो कोफ्ता मसाला था हमारे पास हाफ हमने कोफ्तों में ऐड कर दिया था, हाफ हमने इस मसाले में ऐड कर दिया है। और इसके साथ इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सुरख मिर्च पाउडर है वो इसमें डालेंगे, और नमक है 1 टेबल स्पून नमक हमारे पास है, नमक इसमें डाल देंगे। नमक आप चेक कर लें कि कोफ्तों में भी हमने डाला हुआ है। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब दही है हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब, इसमें दही ऐड करेंगे। ये दही इसमें ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कोफ्ते जो फ्राई किए हुए थे वो इसमें रख देते हैं, एक एक करके इसमें तमाम कोफ्तों को रख देंगे। रखने के बाद उसकी हल्की 5 से 10 मिनट के लिए उसकी भुनाई करेंगे इन कोफ्तों की। डाल दिए इसको हल्के से, आपने चम्मच के साथ इसको आराम से आपने प्रेस कर हिलाना है। मज़ेदार से नरगसी कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इसको हमने डिश आउट कर दिया, इस बाउल में निकाल लिया और नरगसी कोफ्ते रेडी हो गए हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो आज हमने आप लोगों के साथ डिफरेंट स्टाइल में ये नरगसी कोफ्तों की रेसिपी शेयर की है। आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं तो वो भी हमारे साथ चीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त दें, हम आपकी खिदमत में कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।